नमस्कार प्रणाम, आप सभी को पैर चुके मेरे भाई लोग। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह मुलाकात पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या उनका मुलाकात हुआ था या नहीं हुआ था? तो मेरे भाई लोग, सभी भाई लोग जितने यूट्यूबर हैं, खेसारी लाल यादव के फैंस या पवन सिंह के फैंस, सब लोग ये बता रहे हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल मिले थे, किसी स्टूडियो में जाते वक्त अचानक में मुलाकात हो गया था। सब लोग यूट्यूबर ये बता रहे हैं और मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर दोनों मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जो राजन सिंह मुकुट है वो कुछ अलग प्रकार के वीडियो बनाता है कि खेसारी लाल के यूट्यूबर हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यूज पाने के लिए पवन सिंह का नाम ले रहे हैं। ऐसा मुलाकात वुलाकात कुछ नहीं हुआ है। खेसारी लाल अपने मतलब स्टार्डम के लिए पवन सिंह का नाम ले रहे हैं। पहली बात, मूर्ख से मुकुट, खेसारी लाल यादव इंटरव्यू में भी जो पूछा गया था कि क्या आपका पवन सिंह से मुलाकात हुआ, उसमें भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह का नाम नहीं लिए हैं। एक बार जाके वीडियो देख सकता है तू, बेमतलब का वीडियो मत बनाया कर, पहले देख ले। उसमें ये खेसारी लाल बोले हैं कि देखिए हम दोनों भाई हैं, अगर मिल भी जाते हैं तो क्या हो जाता है, दुश्मनी थोड़ी ना है, इस प्रकार से बोलते हैं, बोले हैं। लेकिन ये नहीं बोले हैं कि हम पवन सिंह से मिले हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। तू बेमतलब का वीडियो मत बनाया कर। पहली बात तो तू खेसारी लाल की वजह से तू चलता है, कोई व्यूज पाने के लिए पवन सिंह का क्यों नाम लेगा? तू खुद व्यूज पाने के लिए खेसारी लाल यादव का नाम लेता है। तू ये चाहता है कि भोजपुरी में बराबर विवाद बना रहे और मेरा चैनल चलता रहे, इसलिए इस प्रकार से खेसारी के प्रति बोला कि पवन सिंह के जो ना चाहने वाले यानी खेसारी के फैन है वो पवन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इसलिए बराबर चाहता है कि बराबर विवाद रहे और हमारा चैनल चले, यही तो सच्चाई है तेरी। इतना तू मास्टरमाइंड बनता है, कितना होशियार बनता है, सब लोग जानते हैं कि तू कितना चालाक है, क्या है, सब तेरे बारे में मुझे भी पता है। तू कितना वीडियो बनाया है, किसको कौन किसका व्यूज पाने के लिए किसका नाम ले रहा है, वो सब पता है। पहली बात मेरे भाई लोग, मेरा भी चैनल है, मैं आज तक लमसम 300 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा होगा अगर पवन सिंह का वीडियो, पवन सिंह का नाम होगा तो 4 से 5 वीडियो पे पवन सिंह का नाम होगा, 4 से 5 वीडियो पे। लेकिन इसके चैनल पे अगर आप लोग जाएंगे तो, अगर इसके चैनल पे 400 वीडियो होगा तो 400 वीडियो में 300 लमसम केवल खेसारी के नाम से होगा पूरा। अगर इसके चैनल में जाकर चेक कर लीजिए, 100% मैं बता दे रहा हूँ कि ओनली वन ये बंदा खेसारी लाल यादव का नाम यूज करके आगे बढ़ता है। आज बोला कि पवन सिंह का नाम लेकर खेसारी के यूट्यूबर आगे बढ़ रहे हैं। महेश पांडे की भी आप लोग जाकर चैनल देख सकते हैं। महेश पांडे के चैनल में भी लमसम 400 अगर वीडियो होगा, अगर 4000 वीडियो होगा तो उसमें केवल 3000 खेसारी लाल यादव का, 1000 में अन्य का होगा। आप लोग जाके देख सकते हैं। महेश पांडे भी बहुत नाम मात्रा के बराबर पवन सिंह का नाम लेता है, वो भी केवल जब विवाद होता है तब नाम लेता है, लेकिन उसके चैनल पर देखते हैं आप लोग जाके केवल खेसारी लाल का प्रमोट करता है, खेसारी लाल के गाने का प्रचार करता है, लेकिन बंदा एक भी बार पवन सिंह का नाम नहीं लेता है। लेकिन ये जब बराबर जब विवाद के लिए बंदा छेड़ता है तब वह बंदा पवन सिंह का नाम लेता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कैसे छेड़ रहा है। सब यूट्यूबर ये बना रहे हैं कि दोनों मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये बंदा खेसारी लाल व्यूज पाने के लिए पवन सिंह का नाम लिया, पवन सिंह का मतलब ऐसा किया वैसा किया, इस प्रकार से वीडियो बना दिया। आप समझ सकते हैं कैसे बंदा अपने मतलब आगे बढ़ने के लिए या अपने स्टार्डम के लिए कैसे पवन सिंह खेसारी को आपस में लड़ा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरे भाई लोग, ये वीडियो थोड़ा शेयर मार दिए कि झूठी जो आरोप लगा रहा है खेसारी के फैनों पर, खेसारी के यूट्यूबरों पर, तो पता चल जाए कि कौन किसका नाम लेके हाईलाइट हो रहा है। तो प्लीज़ यार, वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर मारें, इस तक पहुँचा दीजिए मार के। बस इतना ही बोलेंगे। नमस्कार प्रणाम, आप सभी को पैर चुके।